गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय में ग्रामर का व्याकरण का एक भाग पढ़ाने वाली हूँ। हमारे पाठ का नाम है वाक्य के प्रकार। वाक्य का सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के एक निश्चित क्रम को वाक्य कहते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य के दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय और यदि परंतु की सहायता से जुड़े रहते हैं तो वहां पर उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें दो वाक्य रहते हैं, एक वाक्य मुख्य वाक्य रहता है और दूसरा उपवाक्य रहता है। एक मेन क्लॉज रहता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। अब सरल वाक्य के उदाहरण। राम घर जा रहा है, यहाँ पर राम करता है, घर जाने का काम कर रहा है, कर्म कर रहा है और क्रिया रहा है। इस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। राम बाजार से आया और घर जा रहा है, यहाँ पर वाक्य दो सरल वाक्यों को हमने और शब्द की सहायता से जोड़ दिया है, इसीलिए इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य, राम बाजार से आया क्योंकि उसे घर जाना है, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, इसीलिए इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। अब आते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। हिंदी में विधान का मतलब होता है काम। तो साधारण रूप से ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता और क्रिया होती है, कोई भी काम किया जाता है, उसे विधानार्थक वाक्य हम कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, राम ने पढ़ाई की, ये दोनों वाक्यों में कुछ काम किया जा रहा है, इसीलिए हम इन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं, मत या ना शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तनिषा बाजार मत जाओ, राम खाना नहीं खाएगा, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। इन तीनों वाक्यों में मत और नहीं का प्रयोग किया गया है, अतः ये निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है और जिनमें वाक्य के मध्य में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम तुम घर कब आओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। इन सभी वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ आदि का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये प्रश्नार्थक वाक्य कहे जाते हैं। चौथा नंबर है विस्मयार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हमारे मन के भाव अचानक से प्रकट होते हैं, चाहे वो भाव खुशी के हो, दुख के हो, आश्चर्य के हो या शोक के हो, वो वहां पर विस्मयार्थक वाक्य होता है। अरे ये क्या हो गया, छी कितनी गंदी बास आ रही, वाह कितना अच्छा घर है। इन वाक्यों अरे वाह और छी से हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए ये विस्मयार्थक वाक्यों के उदाहरण। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, उन सभी वाक्यों को
आज्ञाधर वाक्य कहा जाता है। चलो खड़े हो जाओ, तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। हम सभी बाहर जाएंगे, यहाँ पर आज्ञा या आपसे कोई प्रार्थना की जा रही है, इसीलिए इन वाक्यों को हम आज्ञाधर वाक्य कहें। इसके अलावा एक और उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगी आज्ञाधर वाक्य का। आइए हमें गलत साबित करिए और 1000 रुपए लेकर जाइए। यहाँ पर आपको आने के लिए सिर्फ प्रार्थना की जा रही है और आपको गलत साबित करने के लिए कहा जा रहा है। अतः इस प्रकार के उदाहरण भी आज्ञाधर वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है संदेहार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कुछ संदेह या कंफ्यूजन छिपा रहता है, उन्हें हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। शायद आज बारिश होगी, शायद, शायद शब्द से हमें संदेह का बोध होता है। कभी कभी इन वाक्यों में शायद नहीं लिखा रहता है और वो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह जो रहता है हमारे मस्तिष्क में रहता है, क्या आज दादाजी आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है जो कि हमारे मस्तिष्क में है, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न भी संदेहार्थक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला है इच्छार्थक वाक्य। इच्छा जिसमें हमारे मन की इच्छा या विश के बारे में बताया जाता, यदि मैं प्रधानमंत्री हो, यह हमारी इच्छा है जो हम पूरा कर सकते हैं। काश पिताजी घर आ पाते। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों की गर्मी की छुट्टी भी चल रही है, तो अभी आप सभी लोगों की एक ही इच्छा है कि मैं अपने मामा के घर जा पाता। ये आपकी इच्छा है, तो ये इच्छा तो वाक्य में आ जाए। अगला है और आखिरी भी वाक्य का प्रकार है संकेतार्थक। ऐसे वाक्य जिसमें एक काम दूसरे काम पर निर्भर रहता है या एक वाक्य दूसरे बात पर निर्भर रहता है, उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर फसल का अच्छा होना बारिश के अच्छे होने पर निर्भर, इसीलिए इसे हम संकेतार्थक वाक्य। अब आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब भी प्रश्न आता है तो रचना के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। दिए गए वाक्य में रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए, तो आपको वाक्य देखकर उसका प्रकार पहचानना है और उत्तर में लिखना है। लेकिन जब अर्थ के आधार पर वाक्य दिया जाता है तो वहां पर आपको वाक्य जिस भी वाक्य में दिया है उसका सूचना के अनुसार परिवर्तन करने दिया जाता है। अभी जैसे सरल वाक्य है, राम खाना खा रहा है। यहाँ पर विधानार्थक वाक्य है, जब हम विधानार्थक वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो नहीं शब्द क्रिया के पहले आएगा। राम खाना नहीं खा रहा है, ये हमारा विधानार्थक से निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तन हो गया। भी विधानार्थक वाक्य दिया है और उसको यदि हमें आज्ञातक वाक्य में परिवर्तन करना है तो हम उसी वाक्य को बोलेंगे राम खाना खाओ, ऑर्डर देना है, आज्ञा देना है। यदि उसे प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना रहेगा तो हम प्रश्न पूछेंगे राम क्या खा रहा है, राम खाना खाता है। इस तरह से यहाँ पर वाक्य परिवर्तन के लिए अर्थ के आधार पर प्रश्न आता है। अभी आप लोग इतना ही है हमारे वाक्य प्रकार में, सवाल आगे करें। थैंक यू। वापस से एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में काल। काल का मतलब होता है समय। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा हमें समय के बारे में पता चलता है
उसे हम काम कहते हैं। काम किस समय पर किया जा रहा है, कब हुआ था या कब होने वाला है, इन बातों की जानकारी देने वाले शब्दों को हिंदी में काल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। हिंदी में काल के तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे हम हिंदी में भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अभी तक आप लोगों ने काल के तीन ही प्रकार देखे हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आज हम उन्हीं प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के तीन प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब प्रश्न ये आता है कि हम दिए गए वाक्यों को पहचानेंगे कैसे, कि वो वाक्य हमें कौन से प्रकार में दिया गया है, और जो प्रकार दिया गया है उससे हम दूसरे काल में कैसे परिवर्तन करेंगे। यदि आप इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखेंगे, जो भी वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आ रहा है, कौन से अक्षर आ रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से वाक्य को भी पहचान सकेंगे और परिवर्तन किस प्रकार करना है वो भी आपको सरल हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है। इस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है लड़का है, इसीलिए हमने उसको लिखा है राम खाना खाता। यदि इसी की जगह किसी लड़की के बारे में हमको लिखना रहता तो हम लिखते कल्पना खाना खाती है, और बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं तो हम लिखेंगे हम सब खाना खाते। अब हम आते हैं दूसरे काल के प्रकार पर, जिसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये शब्द वाक्य के अंत में आप देखेंगे तो आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका दिया गया वाक्य कौन से काल का है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। राम खेल रहा है, सीता खेल रही है, हम सब खेल रहे हैं। काम हमने वर्तमान काल में शुरू किया था और अभी हमारे देखने तक काम खत्म नहीं हुआ है, इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, चालू ही है, इसीलिए हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण शब्द जहां भी आता है वहां पर एक विशेषता रहती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहा शब्द आएगा ही, या वो वर्तमान काल में हो अथवा भूतकाल में हो, दोनों में यदि किसी भी वाक्य में रहा शब्द आया है तो वो अपूर्णता को प्रदर्शित करता है। तीसरा है वर्तमान काल का प्रकार पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल के जितने भी वाक्य रहते हैं उनके अंत में आ है, ई है और ए है। उदाहरण, राम ने खाना खाया है, सीता ने खाना खाया है। यहाँ पर हम चुका है या चुकी है शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि चुका या चुकी शब्द जो रहते हैं वो भविष्य काल को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए खाया है हमने बोला है। अगला है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है, जो इतिहास बन गया है। काल का ऐसा प्रकार जिसमें बीते हुए समय में कोई क्रिया की गई थी। इसके भी तीन प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल। इस काल में वाक्य के अंत में आ, ई और ए शब्द ही आते हैं। राम ने खाना खाया, सीता ने खाना खाया। यहाँ पर स्त्रीलिंग है लेकिन खाना खाया, खाना खाए हम लिखेंगे
तो वो हमारा वाक्य रचना की दृष्टि से गलत हो जाए। माँ बाजार से आई, हम सब बाजार गए, ये हमारे वाक्य के अन्य उदाहरण है जो कि सामान्य भूतकाल की तरफ बताते हैं। दूसरा है भूतकाल का प्रकार अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के जितने भी वाक्य रहते हैं उनके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे शब्द आएंगे। जैसे राम खाना खा रहा था, सीता खाना खा रही थी, हम सब खाना खा रहे थे। यहाँ पर आप लोगों ने सभी ने देखा कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे शब्द आए। इसका मतलब ये भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल भाग है। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के जितने भी वाक्य रहते हैं उन वाक्यों के अंत में आ था, ई थी और ए थे शब्द आता है। राम ने खाना खाया था, सीता ने खाना खाया था, हम सब बाजार गए थे। यहाँ पर काम पूरा हो चुका है इसीलिए वाक्य के अंत में आ था, ई थी और ए थे शब्दों का प्रयोग किया गया। अगला है सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल का सिर्फ एक ही प्रकार आप लोगों को पढ़ना है जो है सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल के सभी वाक्यों के अंत में गा, गी या गे शब्द आते। जैसे हम बाजार जाएंगे, राम बाजार गया, विद्यार्थी शाला गए, लड़कियां नाचेंगी। अभी आपने देखा कि हर वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आए हैं, इसका मतलब है ये सामान्य भविष्यकाल। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, यदि आपको सामान्य वर्तमान काल में एक वाक्य दिया गया है और उसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना। सामान्य वर्तमान काल का एक उदाहरण है राम पढ़ता है, इसी वाक्य को हमें सामान्य भूतकाल में बदलना है तो हम उसे लिखेंगे राम ने पढ़ा। पढ़ा इसीलिए क्योंकि सामान्य भूतकाल की विशेषता है वाक्य के अंत में आ शब्द आना। अगला है इसी को यदि हमें पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है तो हम लिखेंगे राम ने पढ़ा है। एक ही वाक्य है लेकिन उसको हम हर दूसरे काल में परिवर्तित कर सकते हैं। बस आपको वाक्य के अंत में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं उन्हें अपने ध्यान में रखना है। इस चित्र को, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए तो आपको काल परिवर्तन करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक का नाम है संधि। संधि का मतलब होता है दो चीजों के बीच का जोड़। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी संधि के बारे में पढ़ा है, अभी तक हिस्ट्री में पढ़ते थे दो राजाओं के बीच की दोस्ती को संधि कहते हैं, लेकिन आज हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। हिंदी में दो वर्णों के मेल को, मेल मतलब मिलना, वर्ण मतलब अल्फाबेट, दो वर्णों के मेल से जो विकार या चेंज या परिवर्तन आता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन संधियों को पहचानना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर आपको स्वर संधि के, व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनकी सहायता से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि दिया गया शब्द स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है या विसर्ग संधि का है। ये हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। इसमें आपको शब्द को तोड़ के लिखना पड़ता है। तोड़ना मतलब विच्छेद करके, संधि विच्छेद करना और उसका प्रकार लिखना होता है। आधा नंबर का प्रकार रहता है, आधा नंबर का विच्छेद रहता है, तो दो शब्द आते हैं दोनों ही आपको करना। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि ऐसी संधि जिसमें
पहले और दूसरे शब्द के आखिरी और पहले वर्ण सिर्फ और सिर्फ स्वर रहते हैं। मतलब जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये बात आप सभी को पता है कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं होता। जब हम व्यंजन में स्वर को मिलाते हैं तभी वो व्यंजन पूरा होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है हिम, हिम में म है, आप बोलेंगे व्यंजन है, ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हलंत नहीं लगाया। हिम के साथ आलय शब्द मिल जाता है तो हिमालय हो जाता है। अब यहाँ पर आ शब्द का बड़ी आ की मात्रा जो है वो भाग मिल गई है और हमारा और गायब हो गया है, डिसअपीयर हो गया है और हमारा नया शब्द बन गया है हिमालय। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन आया है, इसीलिए संधि की परिभाषा में कहा जाता है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पर दो स्वरों के मेल हो रहा है इसीलिए हम इसे स्वर संधि कहेंगे। दूसरा उदाहरण है हमारा सूर्य घन अस्त सूर्यास्त। अभी आप लोगों के लिए एग्जाम में या तो ये शब्द आ सकते हैं या विच्छेद करके दिया रहेगा, पर स्वर संधि के जितने भी उदाहरण रहते हैं उसमें आपको मुख्य शब्द आता है और उसे विच्छेद करके आपको ये वाला भाग लिखना रहता है। नर धन इंद्र नरेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, प्राधन ईर्णा प्रेरणा, दे धन ईश देश। अभी इसी तरह से गणेश भी बन सकता है, गणेश का संधि विच्छेद होगा गण धन ईश। जब सु धन आगत उ की मात्रा आ से मिलती है तो एक नया वर्ण व का निर्माण होता है, उसमें सु जिसमें मात्रा लगती है वो व्यंजन आधा हो जाता है और आ जो रहता है वो वा में बदल जाता है, तो हमारा जो नया शब्द बन रहा है वो स्वागत बन जाता है। इसी तरह अति धन अधिक अत्यधिक बनता है, इसमें भी ऐसे शब्द जिनमें तव में यहाँ पे तव में मात्रा दी है तो जिस भी शब्द पे जिस भी अक्षर में मात्रा रहती है वो आधा हो जाता है और उसके बाद यह शब्द आ जाता है। अत्यधिक अति आवश्यक अत्यावश्यक इस तरह से ये सभी का प्रकार है। आखिरी में आप देख रहे हैं तीन शब्दों ओ धन अन, उससे पवन बन रहा है। जब ओ आ से मिलता है तो व में बदल जाता है। जब हम पवन बोलते हैं, कई लोगों को आप लोगों ने सुना भी होगा, पवन करके बुलाते हैं, तो ओ धन वन अन होता है हमारा पवन। दूसरा है पौ धन अन, जब औ की मात्रा अ से मिलती है तो वो आव में बदल जाती है, तो पौ धन अन बन जाता है पावक। जब अख के साथ पौ जुड़ता है तो पावक बन जाता है, पौ धन अख पावक। अगला उदाहरण है नव धन एक, जब औ की मात्रा ई के साथ जुड़ती है तो अवि बनता है, तब इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है नावे। अब हम आते हैं व्यंजन संधि पर। अभी हमने जो संधि के उदाहरण देखे हैं, संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन रहता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन रहता है। मतलब जब व्यंजन स्वर या व्यंजन के साथ मेल करता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण देखिए आप, उज्ज्वल उत्त धन ज्वल, यहाँ पर पहले शब्द का आखिरी वर्ण है तो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ज्वल, यहाँ पर दोनों व्यंजन मिल रहे हैं इसीलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण। इसी तरह से दूसरा है दिक धन अंबर, यहाँ पर भी व्यंजन स्वर के साथ मिल रहा है इसीलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि में
पहले शब्द के आखिरी वर्ण हमेशा व्यंजन रहता है, आपको उदाहरण के द्वारा समझ में आ रहा है। यहाँ पर संसार, समधनसार, इसी तरह से परंतु, परमधन तू हो जाता है। वहां पर हम न कितने भी रहते हैं उनको म की तरह से उच्चारण किया जाता है। अब हमारा आता है संधि का आखिरी प्रकार विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के उदाहरण में आपको विसर्ग की मात्रा आहा की मात्रा दिखाई देती है। जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन विसर्ग रहता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन रहता है, मतलब जब विसर्ग स्वर या व्यंजन के साथ मेल करता है तो उस तरह की संधि को विसर्ग संधि कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए है दुर्बल, दुर्बल का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है दुर्धन बल, इसी तरह से निर्बल बन जाता है। निर्बल में निधन बल हो जाएगा, निर्धन का निधन धन बन जाएगा। अगला उदाहरण है तपोबल, तपोबल का संधि विच्छेद करने में तपा धन बल हो जाता है और मनोबल का संधि विच्छेद करने में मना धन हर हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि हमेशा पहले शब्द के बाद जो भी दूसरा अक्षर है वहाँ पर उसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अतः ये सभी उदाहरण व्यंजन संधि के उदाहरण। आशा है आप लोगों को तीनों संधियां समझ में आ गई।